हाय गाइस, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग का इंटर PWC क्रिकेट मैच है और हम लोग आज बहुत जल्दी उठे हैं, सूरज उगने से पहले उठे हैं आज, तो जा रहे हैं बस मैच के लिए। कैब आ चुकी है, स्टेडियम ये देखो, बाकी लोग पहुंच चुके हैं। क्यों भाग क्यों रहा है ये बंदा, इसको तैयार होने आता नहीं है। आधा घंटा 50 बार उठा चुके हैं ऋषि को और बाकी टीम्स पहुंच चुकी हैं। ग्राउंड बहुत छोटा है गाइस, क्या लग रहा है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फॉर टुडे? अरे अपना ही है ट्रॉफी, ट्रॉफी अपना ही है, उतना सीरियस होकर नहीं खेल रहे हैं। चलो के खेलेंगे, अरे हमारे जैसे कोई किया ही नहीं। जी तुम्हारा कौन सा नंबर पर मैच है? हमारा तीसरा है एंड अभी तो पहला मैच चल रहा है। ये निशित केवल जूस पी रहा है एंड वी हैव द थर्ड मैच। हमें एक एडवांटेज मिला है कि हमें बाकी टीम्स का मैच देखने को मिल जाएगा। में 62 बनाया है एक टीम ने, विच इज ओके फॉर अस। ऋषि अंपायर था तो बता रहा है कि बॉलिंग बहुत फीकी फीकी हो रही है। अरे वाइट, अभी वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम तो उड़ा देंगे सबको। और कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है, क्यों अभिजीत इसकी बैटिंग में फट रही है? आने दो ना, बताते हैं सब, देखे हैं प्रैक्टिस में, कल खेल रहे थे। व्हाई आर यू सो सैड? टीम हार रहा है, रिकॉर्ड लेके ट्रॉफी जा रहे हैं। मैं बताता हूं रीजन आप लोग को। उधर चल रहे हैं आप लोग, इधर क्यों बैठे हुए हैं? क्या अगला मैच अपना है गाइस? तो सत्या की व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अस? इट्स ऑलरेडी कमिंग होम, द टीम व्हिच वी वांटेड टू विन हार रही है, सो सैड या बिकॉज़ ऑफ समवन एल्स। व्हाइट टीम लॉस्ट, आई डोंट नो द अदर टीम नेम्स, बट कोई नहीं। तो फ्रेम भी काट रहा है यार। मैं टारगेट बना 60 का, क्या लग रहा है 8 रन और चाहिए हमें? अब तो अपना ही है मैच। रजनीश एंड ऋषि आर प्लेइंग रियली वेल, दो रन लेकिन मैच की शुरुआत हो चुकी है एंड फर्स्ट मैच हम लोग जीत गए 8 विकेट से। इसमें अब पहले हम लोग बैटिंग जा रहे हैं बिकॉज हर बार की तरह विराट कोहली वाली किस्मत मेरी भी हो रही है, दोनों टॉस में हार चुका हूँ एंड अब मैच होगा यहाँ पे। दूसरा मैच जीत गए गाइस, एक मैच तो जीते हम लोग, एक मैच जीते हैं गाइस, ऐसी बात है। बहुत गंदा हारे भाई दूसरा मैच, बड़े लोग इन माय डिफेंस, इन आवर डिफेंस उन लोगों ने आउटसोर्स किया था, एक रणजी वाला प्लेयर उठा लिया, उनके पास पैसा ज्यादा है और मेन प्लेयर हमारा इंजर्ड हो गया। और सिस्टम रबी जी, सिस्टम सिस्टम, पर हमने बहुत मेहनत की, बस भले ही पिटा गए। क्यों रजनीश, हमने बहुत, ये तो भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? इसका सिलेक्शन हो चुका है PWC भुवनेश्वर टीम में, हमने एक ओवर में 26 रन मारे, बहुत पहला धरता उड़ा दिया एकदम, ये भी एक ओवर में 22 मारे, इनका हाथ फट गया देखो, आखिरी छक्का दिखा दिया, आखिरी छक्का पे हम इसमें मारे दिख नहीं रहा। मैच हार चुके हैं और अब फाइनल्स देख रहे हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप अभिजीत जी? नो कमेंट। कोल्ड ड्रिंक लेने आया है, ये जिम करता है बंदा, इनको रोज कोल्ड ड्रिंक पीना है, शुगर इंटेक खूब बढ़ाना है और जल्दी भी चाहिए इनको। दोस्तों मैच वैसे तो होता रहेगा, हम लोग टैन हो गए हैं, एक दिन बाहर खेलो टैन हो जाते हैं, 30 दिन फिर ग्लो अप क्रीम लगाओ, वापस से ही होता है, फिर वापस से एक दिन बाहर आ जाओ टैन हो जाता है। अच्छा ये बताओ कि इंडिया पाकिस्तान भी है आज, तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? पाकिस्तान पहले खेल रहा है, क्या हमारी तरह धुनाई होगी इंडियन बॉलर्स की? बिल्कुल होगी, जैसे हम धुनाए आज। हो सकती है क्योंकि अहमदाबाद में स्टेडियम मैच है। तो एक्सपेक्टेड स्कोर तुम्हारे साइड से क्या है? लाइक गाइस जैसे ये क्रिकेट एक्सपर्ट है, मतलब इसको क्रिकेट की काफी नॉलेज है, नहीं लिटरली स्पीकिंग इसको क्रिकेट की काफी नॉलेज है। 320 शुभमन इज प्लेइंग टुडे, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? अनदर सेंचुरी एट, हां उसका तो घर का स्टेडियम है ना। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं चाय पीने, हम सो गए थे, लाइक पाकिस्तान में 140/2 हमने सोचा था कि वो 3 मिनट के करीब बनाएगा, बट फिर कोलैप्स 190 पे आउट हो गए वो
इंडिया इज प्लेइंग वेल यार, मतलब स्टार्ट अच्छा किया 77 पे वन, इज प्लेइंग वेरी रियलिस्टिक। अभी हम जा रहे हैं किट के सामने, मजा है, बहुत अच्छा मिल रही है, थक गए यार। Guys, I just came back from Nishit's place. I'll be going back there again. Night stay हमारा वहीं है, ऋषि वहीं है, भैया जा चुके हैं घर, घर थोड़ा खाली खाली लग रहा है एंड बिकॉज अभी मैं आ गया क्योंकि आई हैव टू शूट अ पॉडकास्ट। हर वीकली हमारा स्केड्यूल रहता है एज यू गाइज नो, तो एल क्लासिक प्रीवियर जो कि इस व्लॉग से डेफिनेटली पहले आएगा बिकॉज दिस व्लॉग विल बी गोइंग आउट ऑन ट्यूजडे एंड द ब्लॉग एंड द पॉडकास्ट विल कम आउट टुमारो विच इज संडे, आई एम शूटिंग दिस ऑन सैटरडे। और बात रही इंडिया पाकिस्तान मैच की, तो इंडिया बहुत आसानी से जीत गया यार, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट टू बी दैट मैच टू बी वेरी क्लोज, जिस तरह पाकिस्तान वाज 150 for 2 एट टाइम, बट क्या हो गया, इंडिया जीत गई। और उसके बाद ऐसे ही होता है इंडिया के साथ, हमेशा ऐसे होता है, वो लीग स्टेजेस में मस्त 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 एकदम मारपीट करना चाहिए, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, वर्ल्ड कप जीतेगी, और फिर सेमीफाइनल में कोई लेफ्ट आर्म पेसर आएगा, 4 run, 5 wicket, 3 wicket, 4 wicket ऐसे हो जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, इन द लास्ट व्लॉग आई टोल्ड यू गाइज अबाउट कि मैं नेक्स्ट मंथ घर जाऊँगा, बट ऐसा मेरे को अब पॉसिबल नहीं लग रहा है बिकॉज मैं कोलकाता से जब वापस आऊँगा उसके बाद आई विल बी हैविंग अ वेरी फ्यू डे टाइम टू स्टे इन भुवनेश्वर, लाइक दिसंबर में आई हैव टू फैमिली फंक्शंस जिसमें मेरे को जाना ही जाना है, और दोनों 7-8 दिन के पीरियड के बीच में दोनों फंक्शंस, एंड फिर छुट्टी वुट्टी भी रहती है दिसंबर में, तो फिर मैं अगर दिवाली में चला जाऊँगा फिर वापस आऊँगा 2 दिन के लिए फिर वापस जाऊँगा, तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा राइट, और वो भी तो देखना है यार, मैं खर्चे भी तो देखने हैं, तो अभी आते हैं कोलकाता से उसके बाद डिसाइड करते हैं अच्छा कि दिवाली में करना क्या। एंड द ब्रांड आई टोल्ड यू अबाउट इन द लास्ट व्लॉग ऑल्सो कि एक ब्रांड हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया ब्रांड होने वाला है गाइस, लाइक अगर तुम जेंजी मतलब जो जेंजी लोग हैं या फिर जिनको ट्रेंडिंग स्टाइल्स बहुत पसंद है उनको वो ब्रांड बहुत अच्छा लगेगा, जब आएगा तो सपोर्ट करना चैनल को जैसे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हो तुम लोग, और करो ऑब्वियसली, एंड मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक, यही था इस ब्लॉग में, तो मेक श्योर यू ड्रॉप अ लाइक, ड्रॉप अ कॉमेंट, रीच अच्छी आती है, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बिकॉज मेरा टारगेट इस मंथ के एंड तक है 300 and I want that to reach here. I want that particular target to be reached because I'll be pretty happy that I have reached something. उसके बाद I'll be doing things on my own. Like एक point तक तुम लोग पहुँचा दो, उसके बाद I'll be pretty confident on myself and उसके बाद I'll try bringing more ideas for the vlogs और कुछ ना कुछ नया करेंगे, particular number पर पहुँचा दो, बस यही है। जा रहा हूँ मैं notes बनाने podcast के लिए, तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय। Baby, I should not give up without a fight, 'cause there will be a time.